Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार जो लेक्चर है ये मेरा दसवां लेक्चर है और जो विषय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा तथा परिसीमा विधि तो सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा विधि की चर्चा हम लोग कर रहे हैं और इस सब्जेक्ट का ये दसवां मॉड्यूल है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ इसके पहले ऑलरेडी नाइन मॉड्यूल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है तो मैं आपको थोड़ा सा इस सब्जेक्ट में आने के पहले मैं आपको बताऊं अब मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है जिसको कि आप जानें आपको कौन बोल रहा है कौन आपको एड्रेस कर रहा है मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है मैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई बी से हुई है और मैं आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा में न्यायिक अधिकारी भी था और अब मैं दस बारह साल से पठन पाठन का कार्य करा रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में और कर रहा हूँ तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है आपको ताकि आप जाने हमारे बारे में संक्षिप्त परिचय है मेरा इसके बाद ये जो विषय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विषय का नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि तो दसवां लेक्चर है चूंकि नौ लेक्चर हम लोगों ने कर लिया तो क्या अभी तक हम लोगों ने किया और इस सब्जेक्ट के बारे में क्या है थोड़ा समय आपको बता दूं ये सिविल प्रोसीजर कोड है इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा सिविल प्रक्रिया संहिता मैंने सिविल प्रक्रिया को डिस्कस करती है अब सिविल प्रक्रिया में क्या आता है तो हमको ये जानना पड़ेगा कि सिविल का मतलब क्या है सिविल सूट का मतलब क्या है

जाएगा अपोजिट पार्टी को बुलावा पत्र जाएगा तो समन का क्या प्रक्रिया है से के बीच में इसकी भी भी मतलब कोर्ट मतलब की डिक्री जिसके खिलाफ डिक्री हुई है अगर उसको नहीं मान रहा है तो इसका निष्पादन कैसे तो इस तरीके से लेके कई इंपोर्टेंट सीपीसी के विगत जो नौ लेक्चर हमारे थे उसमें हम लोगों ने देख लिया है। आज जो है दसवां लेक्चर है इसका हालांकि इसमें कुल बीस लेक्चर हमने प्रिस्क्राइब किया हुआ है अभी दस और भी लेक्चर है इसमें जो और भी बचे हुए टॉपिक हैं उसको डिस्कस करेंगे लेकिन दसवां लेक्चर है उसका मॉड्यूल क्या है जो टॉपिक है है डिस्कशन का अगर आप स्क्रीन स्क्रीन देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा देखिए सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद धारा सेवन टू एटी टू और आदेश ट्वेंटी सेवन ये है तो इसमें जो प्रावधान है वो इतने हैं धारा सेवनटी नाइन टू एटी टू और आर्डर ट्वेंटी सेवन धारा 79 से लेकर के 82 तक और आदेश 27 सेवन ये इसका लीगल प्रावधान है और ये है कि सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद ये टॉपिक है ये ध्यान दीजिए अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बताऊं सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद ध्यान दीजिए हमको सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है या सरकार को हमारे खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है ये बात या हम किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाह रहे हैं पब्लिक दा रहे हैं डायरेक्टर आईआईटी कानपुर के खिलाफ मुकदमा दाखिल, तो दाखिल करेंगे तो उसका क्या प्रक्रिया है? या लोक सेवक, का जो डायरेक्टर है वो हमारे खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाह रहे हैं तो क्या प्रक्रिया है तो ईदर अगेंस्ट गवर्नमेंट और अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी ध्यान दीजिए या तो सरकार के खिलाफ या सरकार के द्वारा मुकदमा या लोक अधिकारी के खिलाफ या लोक अधिकारी के द्वारा मुकदमा उसके ऑफिशियल कैपेसिटी से उसके ऑफिशियल कैपेसिटी के निर्वहन में जो मुकदमा होगा वो उसके इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं क्योंकि जो पब्लिक सेवक होता है उसके दो चरित्र होते हैं जैसे भारत का राष्ट्रपति और द्रौपदी मुर्मू ये दो बातें हैं द्रौपदी मुर्मू इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक साधारण महिला है जैसे कोई आम महिला घूमती है लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति के रूप में आप उनको देखेंगे तो द्रौपदी मुर्मू नहीं है नाउ सी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो जब आप प्रेसिडेंट की बात करते हैं है वहीं पे वहीं है सामने लेकिन कुर्सी की बात हो रही है चेयर की बात हो रही है पर्सनालिटी की बात हो रही है तो वहां पे आप ऑफिशियल कैपेसिटी में उनसे हम बात कर रहे हैं और जब उनके घर में हम ऐसे डिनर करने जाते हैं तो हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में से बात करते हैं हमारी फ्रेंड हो सकती है ये कहने का मतलब तो क्वेश्चन ये है कि सरकार के खिलाफ या पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी या उसके द्वारा अगर मुकदमा दाखिल करना है तो क्या प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहां पे बताई गई है धारा 79 से 82 और आदेश 27 ये पूरी बात करता है इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे अब ध्यान दीजिए इसको डिस्कस करने के पहले इस लेक्चर को और इस टॉपिक को आपको मैं ये बता दूं ये स्पेशल सूट है स्पेशल तरीके का मुकदमा है पूरे सीपीसी में दो तरीके के मुकदमे हैं एक मुकदमे को हम बोलते हैं जनरल सूट जनरल सूट का ये मतलब है कि उसमें कोई स्पेशल प्रोसीजर की जरूरत नहीं है वो सीधे आप जो अग्रीब्ड हैं तो आप आर्डर सेवन में प्लांट फाइल करेंगे आर्डर एट में रिटर्न स्टेटमेंट होगा आर्डर फोर्टीन में इशू फार्मुलेट होंगे और इसके बाद आर्डर मीन्स ट्वेंटी में जजमेंट और डिक्री हो जाएगा ये साधारण मुकदमा ऐसे चलता है लेकिन कुछ सीपीसी में स्पेशल मुकदमों की बात करी गई है और सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध जो वाद है सरकार द्वारा लोक सेवक के द्वारा विरुद्ध या उसके तहत जो वाद है ये भी स्पेशल मुकदमा है ये जनरल मुकदमे की कैटेगरी में नहीं आता तो इसमें सीधे आर्डर सेवन से नहीं स्टार्ट होता है ये प्लेट से नहीं स्टार्ट होता है रादर इसके अपने स्पेसिफिक प्रोसीजर बने हुए हैं उस प्रोसीजर से स्टार्ट होता है तो ये नहीं है कि केवल यही एक स्पेशल मुकदमा है नहीं CPC में ऐसे ऐसे बहुत मुकदमेट करूंगा बताऊंगा है।, है, है या जनरली सरकार से कभी हमको लड़ना भी पड़ जाता है अपने राइट के प्रोटेक्शन के लिए तो उसमें आम जनमानस को ये पता चलना चाहिए कि सरकार के खिलाफ भी मुकदमा किया जा सकता है और मुकदमा करने का ये प्रोसीजर है इसलिए मैंने इस वाले स्पेशल मुकदमे को लेक्चर के दौरान रखा हुआ है नहीं तो इसके अलावा बहुत स्पेशल मुकदमे हैं। अब कौन कौन स्पेशल मुकदमे हैं? मैं थोड़ा आपको यहां स्क्रीन पे आप ध्यान दें इस स्क्रीन पे लिख करके मैं आपको बताना चाह रहा हूं देखिए कौन कौन है जैसे आर्डर सत्ताईस तो ये है अब आप देखेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ सूट इन्वॉल्विंग सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ध्यान दीजिए इसके लिए हमारे पास आर्डर ट्वेंटी सेवन कैपिटल ए है सूट इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इसको अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद आप देखेंगे एक हमारे पास मुकदमा है सूट बाई आर अगेंस्ट मिलिट्री नेवी और एयरमैन सूट बाई आर अगेंस्ट मिलिट्री मिलेट सॉरी मिलिट्री नेवी एंड एयरमैन अगर इसके द्वारा मुकदमा दाखिल करना है तो इसके लिए हमारे पास है आदेश 28। ध्यान दीजिए इसी तरीके से एक तीसरा मुकदमा है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं सूट बाई आर अगेंस्ट सूट बाई आर अगेंस्ट कारपोरेशन निगम है कोई कारपोरेशन इसके लिए हमारे पास आर्डर 29 है इसी तरीके से अगला देखेंगे सूट बाई आर अगेंस्ट फॉर्म अगर कोई फॉर्म्स है इनको मुकदमा दाखिल करना है तो हमारे लिए आर्डर तीस है आर्डर थर्टी इसी तरीके से सूट बाईर अगेंस्ट ट्रस्टी एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर है तो इसके लिए हमारे पास है ऑर्डर थर्टी वन सूट बाईर अगेंस्ट ट्रस्टी एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेशन इसी तरीके से आप देखेंगे एक और है सूट रिलेटिंग टू मैटर कंसर्निंग फैमिली ध्यान दीजिए सूट रिलेटिंग टू फैमिली मैटर सूट रिलेटिंग टू फैमिली मैटर्स ध्यान दीजिए फैमिली मैटर्स के लिए हमारे पास है आर्डर थर्टी टू कैपिटल ए सूट रिलेटिंग टू फैमिली मैटर्स इसी तरीके से आप देखेंगे सूट बाई इंडीजेंट पर्सन सूट बाई इंडीजेंट इंडीजेंट पर्सन इसके लिए हमारे पास है ऑर्डर थर्टी थ्री इसी तरीके से आप देखेंगे सूट रिलेटिंग टू मॉर्गेज ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी सूट रिलेटिंग टू मॉर्टगेज ऑफ इमोवेबल बल इसके लिए हमारे पास है आर्डर थर्टी फोर इसी तरीके से आप देखेंगे इंटर प्लीडर सूट इंटर प्लीडर सूट इसके लिए हमारे पास है आर्डर थर्टी फाइव इसी तरीके से आगे देखेंगे समरी प्रोसीजर समरी प्रोसीजर इसके लिए हमारे पास है आर्डर थर्टी सेवन और एक और है यहां पे सूट और अगेंस्ट माइनर सूट सूट बाई और अगेंस्ट माइनर माइनर आर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अनसाउंड माइंड ध्यान दीजिए इसके लिए आर्डर थर्टी टू तो ये जितना आप सूट देख रहे हैं जैसे मान लीजिए पॉइंट नंबर एक पॉइंट नंबर दो पॉइंट नंबर तीन पॉइंट नंबर चार पॉइंट नंबर पांच पॉइंट नंबर छह पॉइंट नंबर सात पॉइंट नंबर आठ पॉइंट नंबर नौ पॉइंट नंबर दस पॉइंट नंबर ग्यारह और ये जो हम लोग डिस्कस करना आए हो गया पॉइंट नंबर बारह इसी तरीके से करके और ये मत समझिए कि अंतिम लिस्ट है ना लेकिन मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सीपीसी में दो तरीके के सूट होते हैं एक होता है साधारण सूट एक होता है विशेष तरीके का सूट तो यह सारे जो हम हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं सूट बाय एयर अगेंस्ट गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट इन इट्स ऑफिशियल कैपेसिटी आर्डर ट्वेंटी में जिसमें धारा धारा 79 नाइन टू एट्टी है तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्पेशल सूट है लेकिन यही स्पेशल सूट नहीं है सीपीसी में इस तरीके के बहुत स्पेशल सूट हैं जो 11 12 के आप लिस्ट देख रहे हैं ये सारे स्पेशल सूट हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं सबको बताऊं और फिर इसको इंफेसाइज कर देंगे ताकि पूरा स्पेशल सूट एक तरीके से आपके दिमाग में भी हो जाए और ये मॉड्यूल हमारा कंप्लीट भी हो जाएगा अच्छे से तो इसमें देखिए क्या क्या है अगर सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसमें लिखे हुए स्क्रीन पे सूट इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पॉइंट नंबर वन आर्डर ट्वेंटी सेवन कैपिटल ए ये पहला स्पेशल सूट है यह क्या चीज है भाई कोई क्वेश्चन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि नहीं है यह डिसीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है तो शायद कोर्ट उसको इंटरटेन नहीं करेगी तो सब्सटेंशियल विधि का सारवान प्रश्न है कि नहीं है अब विधि का सारवान प्रश्न का क्या मतलब इसके लिए कानून में इसकी परिभाषा दूसरे तरीके से है वह प्रश्न जिसपे विभिन्न न्यायालयों के विभिन्न मत हैं और जिसको सुपीरियर कोर्ट ने सेटल्ड नहीं किया है जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का कुछ कहना है पटना हाई कोर्ट का कुछ कहना है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का कुछ कहना है और वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेटल्ड नहीं है ऐसे क्वेश्चन को ऐसे प्रश्न को हम बोलते हैं सब्सटेंशियल क्वेश्चन आप लोग विधि का सारवान प्रश्न तो अगर ऐसे प्रश्न का निस्तारण कराना है तो हमको स्पेशल सूट फाइल करना पड़ेगा जिसके लिए प्रोसीजर ऑर्डर सत्ताइस कैपिटल ए में लिखा हुआ है आदेश सत्ताईस कैपिटल ए में लिखा हुआ है इसी तरीके से दूसरा पॉइंट अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे सूट बाय अगेंस्ट मिलिट्री नेवी और एयरमैन ये है आदेश आदमी को, को, को उसके खिलाफ सूट फाइल करना है इसका अलग प्रोसीजर है तो ये सीपीसी में आर्डर सात से नहीं स्टार्ट होता वाद पत्र से नहीं इसका अलग प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर से स्टार्ट होगा तो ये हमारे पास एक और स्पेशल सूट है इसी तरीके से तीसरा पॉइंट आप देखेंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट सूट बायर अगेंस्ट कारपोरेशन कारपोरेशन का मतलब निगम कोई निगम है जैसे मैं आपको बता दूं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कारपोरेशन बना हुआ है फॉर्म बने हुए हैं इनको अगर सूट फाइल करना है तो इसके लिए हमारे पास आर्डर ट्वेंटी नाइन और थर्टी है क्योंकि इनको ना लीगल पर्सन बोलते हैं ये कारपोरेशन जैसे आई कानपुर ये लीगल पर्सन है तो लीगल पर्सन यह है कि आईआईटी कानपुर मुकदमा दाखिल कर सकता है आईआईटी कानपुर के खिलाफ मुकदमा दाखिल हो सकता है ये भले आपको दिख रहा है कि कैंपस है जमीन है दिवाले हैं घर है इसमें तो ये कैसे मुकदमा दाखिल करेगा तो इसका जो हेड और ब्रेन है वो मुकदमा दाखिल करेगा तो कारपोरेशन भी ऐसा ही है फर्म भी ऐसा ही है ये सब लीगल पर्सन है तो ये भी मुकदमा दाखिल कर सकते हैं ठीक है ना तो जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ डेली ये लीगल पर्सन है यह भी मुकदमा दाखिल कर सकती है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये भी कर सकती है आई कानपुर ये भी कर सकती है कहने का मतलब है कारपोरेशन फॉर्म ये केवल ईंट की दीवाले नहीं है कलेक्शन आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है तो इसमें कई लोग मिलकर एक साथ काम करते हैं हम सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आईआईटी कानपुर को इसमें हम सारे इसके आर्म्स इसके फैकल्टी हैं तो इस तरीके से आईआईटी कानपुर बनता है ठीक है ना तो कारपोरेशन और फॉर्म इसको भी करना है तो इसके लिए हमारे पास देखेंगे आदेश उन्तीस तो कार्पोरेशन के लिए आदेश तीस फॉर्म के लिए इसी तरीके से अगर सूट बायर अगेंस्ट ट्रस्टी है एग्जीक्यूटर है एडमिनिस्ट्रेटर है तो ऑर्डर थर्टी वन है ट्रस्टी एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर क्या है जैसे मान लीजिए कोई ट्रस्ट क्रिएट कर दिया गया एक हॉस्पिटल क्रिएट कर दिया गया जिसमें केवल गरीबों का इलाज किया जाएगा और उसका एक ट्रस्टी बना दिया गया तो ट्रस्टी को मुकदमा दाखिल करना है क्योंकि जो या या जो सेटलर है उसको मुकदमा दाखिल करना है ट्रस्टी के खिलाफ जो ट्रस्ट को कायदे से एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो उसका अलग प्रोसीजर है ट्रस्ट डीड में ट्रस्ट लॉ में वो उस तरीके से सूट फाइल करेगा सीपीसी के आर्डर सेवन से नहीं चलेगा तो ये है आगे आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है सूट बाईर अगेंस्ट माइनर आर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर्डर थर्टी टू अगर किसी छोटे बच्चे को मुकदमा दाखिल करना है या दिमाग का पागल आदमी है उसको मुकदमा क्योंकि जो दिमाग का पागल आदमी है उसके पास प्रॉपर्टी हो सकती है मान लीजिए वो अपने बाप का अकेले बेटा है लेकिन वो दिमाग का पागल है अनसाउंड माइंड है और उसकी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर लिया तो ऐसा थोड़े है कि दिमाग काम साउंड माइंड है तो उसकी प्रॉपर्टी कोई कब्जा कर लेगा और सूट ही नहीं फाइल कर पाएगा नहीं उसके लिए सूट फाइल करने का प्रावधान है आर्डर थर्टी में लिखा हुआ है आदेश बत्तीस में इसके लिए प्रोसीजर है ही मे ऑल्सो इंस्टीट्यूट सूट तो फॉर दी प्रोक्योरमेंट एंड फॉर दी सिक्योरमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी तो उसके लिए भी प्रोसीजर है अगर वो माइनर है छोटा बच्चा है मान लीजिए उसके फादर एक्सपायर कर गए उसके घर में कोई नहीं है पांच साल का बच्चा ही है बस और उसकी बहुत प्रॉपर्टी है और कोई उसकी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेता है तो छोटे बच्चे को अगर सूट फाइल करना है वो भी सूट फाइल कर सकता है आर्डर थर्टी टू में लिखा हुआ है अब कैसे वो फाइल करेगा ये प्रोसीजर है उसका नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट किया जाएगा वाद मित्र इसको बोलते हैं तो उसका वाद मित्र अपॉइंट करेगी कोर्ट जो उसके हितों का संरक्षण करेगा जो उसके भी से न्यायालय में हर डेट को उपस्थित होगा जो उसके सारी बातों को ऐसे ही रखेगा जैसे माइनर कोर्ट में बोल रहा है उसको कोर्ट रेमोनोरेशन भी देगी पैसा भी देगी और वो कोर्ट के तरफ से अपॉइंट किया जाएगा और उस माइनर का पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की रक्षा करेगा न्यायालय में तो नेक्स्ट फ्रेंड अपॉइंट होता है अगर ये डिफेंडेंट है अपोजिट पार्टी है माइनर या पागल जो आदमी है अपोजिट पार्टी है तो इसके लिए जो अपॉइंट किया जाता है उसको बोलते हैं वादार्थ संरक्षक गार्जियन आप इसको बोलते हैं तो इसके लिए गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा तो अगर प्लेंटिव है तो नेक्स्ट फ्रेंड अगर ये डिफेंडेंट है तो गार्जियन ऑफ द सूट ये अपॉइंट किया जाएगा ये इसके भी आपसे मुकदमा लड़ेगा जब ये माइनर जो है मेजर हो जाएगा तो ये उसको हटा करके अपने आ जाएगा उस जगह पे सूट का नाम बदल जाएगा ये सब लिखा हुआ है अगर अनसाउंड माइंड है छह महीने के बाद ठीक हो जाता है तो इनको हटा करके वो अपने, अपने अपना काम देखने लगेगा ये सब कानून में प्रावधान है तो ये भी एक स्पेशल सूट है सूट बाईर अगेंस्ट माइनर आर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड माइंडर थर्टी इसी तरीके से आर्टर थर्टी थ्री है नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे आर्टर थर्टी सूट शूट बाई इंडीजेंट पर्सन अगर आप देखेंगे सूट इंडिजेंट पर्सन अगर इंडिजेंट पर्सन माने गरीब आदमी ध्यान दीजिए वह बंदा गरीब कौन है ध्यान दीजिए सीपीसी में लिखा हुआ है, गरीब वह है जो कोर्ट फीस जमा करने की क्षमता नहीं रखता जिसके पास कोर्ट फीस जमा करने की क्षमता नहीं है वो गरीब है तो अब क्वेश्चन है कैसे पता चलेगा कि वो कोर्ट फीस जमा करने की क्षमता नहीं है इस देश में सभी लोग गरीब हैं अगर कोई चीज मुफ्त में मिलने लगे तो आप देख रहे हैं ना राशन का बंटवारा हो रहा है बड़े से बड़े जमींदार जिसके पास हेक्टेयर हेक्टेयर जमीन है वो भी लाइन लगाए हुए हैं राशन के लिए और राशन लेते भी हैं आप कहीं भी इसको देख सकते हैं बड़ा तो कहने का मतलब है कि गरीब कौन है सीपीसी करती है कहती है जिसके पास कोर्ट फीस जमा करने की क्षमता नहीं है वो गरीब है अब पता चलेगा सभी लोग कहेंगे हमारे पास कोर्ट फीस करने की जमा करने की क्षमता नहीं है हमको गरीब कर दो और बिना कोर्ट फीस के हमारा मुकदमा लड़ो क्योंकि अगर इंडिजेंट आप डिक्लेयर हो जाएंगे तो आपको कोर्ट फीस नहीं जमा करना पड़ेगा कुछ नहीं जमा करना पड़ेगा और ऐसे ही मुकदमा आपका चलेगा इसलिए कोर्ट इसमें सीपीसी इसमें बताती है कि नहीं भाई आपकी प्रॉपर्टी निर्धारित की गई है इतनी से कम की प्रॉपर्टी होगी तब आप इंडिजेंट पर्सन होंगे और ये ये मिनिस्ट्रियल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा और जाके इंस्पेक्ट करेगा चीजों को इंस्पेक्ट करके कोर्ट को बताएगा कि इनकी कितनी प्रॉपर्टी है इनका क्या स्टेटस है इनका क्या, क्या वहदा है ये किस फंक्शन किस पद पे काम करते हैं अकॉर्डिंगली कोर्ट आप ला डिसाइड करेगी कि आप इंडिजेंट हैं कि नहीं है अगर आप इंडिजेंट हैं तो आप बिना पैसे के आपका मुकदमा सरकार लड़ेगी और आपके हित को प्रोटेक्ट करेगी तो ये इंडीजेंट यह भी स्पेशल सूट है इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो इंडीजेंसी के अलावा सूट रिलेटिंग टू फैमिली मैटर आर्डर थर्टी टू ये पारिवारिक संबंधी बात ये भी स्पेशल सूट है सूट रिलेट टू इमोवेबल प्रॉपर्टी मॉर्गेज आप इमोबल प्रॉपर्टी आर आर्डर थर्टी फोर यह भी स्पेशल सूट है इंटरप्लीडर सूट अगर पॉइंट नंबर दस में आप देखेंगे इंटरप्लीडर सूट आर्डर थर्टी फाइव इंटरप्लीडर सूट इसके साथ सेक्शन भी है सेक्शन एट्टी एट सेक्शन एटी एट आर्डर थर्टी फाइव इंटरप्लीडर सूट इंटरप्लीडर सूट ऐसा है जनरली आप देखेंगे मुकदमा वादी और प्रतिवादी के बीच में होता है लेकिन इंटरप्लीडर सूट ऐसा है जो प्रतिवादियों के बीच में होता है इसमें दो डिफेंडेंट ही आपस में पार्टी बन जाते हैं तो इसको हम इंटरप्लीडर सूट बोलते हैं तो ये अलग तरीके का है ये सेवन से नहीं शुरू होता ये दूसरे तरीके से शुरू होता है इसका स्पेशल प्रोसीजर है इसलिए, इसलिए स्पेशल सूट है उसी तरीके से लास्ट में लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऐसा नहीं है कि जो मैं लिखा हूं लास्ट है ऐसे और भी है लेकिन लास्टली हमने लिखा है समरी प्रोसीजर आप देखेंगे आर्डर थर्टी सेवन तो समरी प्रोसीजर जो लास्ट है पॉइंट नंबर इलेवन ये भी एक प्रोसीजर है जिसमें स्पेसिफिक मुकदमा जाएंगे स्पेसिफिक कोर्ट में जाएंगे इसमें सारे मुकदमे नहीं जाएंगे संपत्ति के लेन देन का मुकदमा है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा है रेंट के रिकवरी का मुकदमा है प्रामिजरी नोट का मुकदमा है चेक बाउंस का मुकदमा इस तरीके के सिविल मुकदमे जाएंगे यहाँ पे समरी सूट में आर्डर 37 में इसका निस्तारण बड़ा जल्दी होता है क्योंकि समन ऑफ डिफेंस और जजमेंट ऑफ डिफेंस इशू किया जाता है अपोजिट पार्टी को अगर वो आ जाता है ठीक है नहीं आएगा तुरंत निर्णय हो जाता है इसमें तो ये ये भी स्पेशल सूट है जो आर्डर सेवन से नहीं स्टार्ट होकर के स्पेशली स्टार्ट होता है ठीक है ना तो ये सारे स्पेशल सूट हैं इसी स्पेशल सूट परिवार का एक सदस्य है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं servant, तो इसी और धारा 79 से लेके 82 के बीच में डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर दसवा तो लेक्चर नंबर दसवें का बैकग्राउंड था जिसमें कम से कम आप ये जाने कि हम तो एक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेशल मुकदमे का लेकिन क्या यही है मुकदमा आपको होना चाहिए। इस तरीके से नूमर स्पेशल तो 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 का बैकग्राउंड जो लेक्चर का बैकग्राउंड है आपके दिमाग में आया होगा कि हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं तो इस बैकग्राउंड के साथ मैं इसे शुरू करने जा रहा हूं तो ध्यान दीजिए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं थोड़ा सा अगली देखिए सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद धारा सेवेंटी नाइन सूचना धारा अस्सी गिरफ्तारी और स्वयं उपस्थिति से छूट धारा इक्यासी और डिक्री का निष्पादन धारा बयासी ये सेक्शन सेवेंटी नाइन टू जो ग्रुप है उसको हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं जो सरकार द्वारा या उसके विरुद्धवाद की बात है या पब्लिक सर्वेंट की ऑफिशियल कैपेसिटी के द्वारा या उसके विरुद्धवाद है तो इसमें ये चार धाराएं हैं इन चारों धाराओं को हम लोगों को देखना है ध्यान दीजिए जैसे मान लीजिए हमको भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है या भारत सरकार को हमारे खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो मुकदमे का नाम क्या होगा यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए हमको मिस्टर एक्स के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो मैं अपना नाम लिखूंगा वर्सेस मिस्टर एक्स लिख दूंगा क्योंकि स्पेसिफिक है ना एक्स के खिलाफ हमको मुकदमा दाखिल करना है यहां पर हमको भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो नाम किसका होगा और क्या नाम लिखा जाएगा तो धारा 79 में बताया गया है कि यहां पे नाम होगा मिस्टर एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ध्यान दीजिए तो जो अपोजिट पार्टी होगी चूंकि आप भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाह रहे हैं तो जो नाम होगा अपोजिट पक्षकार का वो होगा भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया क्योंकि यही देश का नाम है संविधान के अनुच्छेद एक में भारत का क्या नाम है भारत का नाम है भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया ये नाम है इसीलिए आप यही नाम देंगे यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है ना अगर आपको स्टेट ऑफ यूपी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है क्योंकि हम लोग कानपुर में खड़े हैं तो 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 अगर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दाखिल दाखिल करना करना है है तो हम हम कैसे दाखिल करेंगे क्या नाम होगा मान लीजिए हमको लिखेंगे प्रमोद तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य क्योंकि अपोजिट पार्टी कौन है उत्तर प्रदेश राज्य तो उसका नाम आ जाएगा इसी तरीके से अगर सरकार को हमारे खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मिस्टर एक्स या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस मिस्टर एक्स ये सूट का टाइटल होगा तो जो यह धारा सेवन है यह बस इतनी सी बात बताती है कि मुकदमे का टाइटल क्या होगा मुकदमे का शीर्षक क्या होगा जब आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करेंगे तो मुकदमे का शीर्षक क्या होगा यह बात बताया गया तो सेवेंटी नाइन में क्लियर है अगर आप प्लेंटिव हैं और सरकार डिफेंडेंट है तो अपोजिट पार्टी में उसका नाम आएगा और अगर वही प्लेंटिव है आप डिफेंडेंट हैं तो उसका फर्स्ट पार्टी और आपका सेकंड पार्टी में नाम आएगा लेकिन जब आप भारत सरकार के खिलाफ करेंगे तो यूनियन ऑफ इंडिया नाम होगा और जब किसी भी स्टेट के खिलाफ करेंगे एक्स वाई जेड तो उस स्टेट का नाम होगा जैसे स्टेट ऑफ यूपी स्टेट ऑफ बिहार स्टेट ऑफ पंजाब इस तरीके से नाम होगा ये धारा सेवेंटी में लिखा हुआ है तो ये तो बड़ा क्लियर सा है सूट का टाइटिल क्या होगा अब आगे देखिए जो दूसरी बात है स्लाइड पर अगर आप देखेंगे सूचना धारा अस्सी यह बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको आप सभी लोग ध्यान से देखें इसको हम बोलते हैं सूचना का सिद्धांत ध्यान दीजिए डॉक्टरीन ऑफ नोटिस सूचना का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस ध्यान दीजिए कभी कभी पूछता है कि सीपीसी में सूचना का सिद्धांत कहां पे है तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए सीपीसी में सूचना का सिद्धांत धारा अस्सी में दिया गया है सूचना का सिद्धांत ये क्या बोल रहा है अभी मैंने बताया कि अगर हमको भारत सरकार के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो अपोजिट पार्टी का नाम क्या होगा लेकिन अपोजिट पार्टी का नाम तो ठीक है हो गया अब हमको सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो क्या मैं तुरंत जाकर मुकदमा दाखिल कर दूं ना तुरंत नहीं करना है आपको ये धारा अस्सी में एक बात बताई गई है कि अगर आपको सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो आपको पहले सरकार को सूचना देनी पड़ेगी ध्यान दीजिए जिसको हम बोलते हैं नोटिस तो पहले हमको सरकार को सूचना देनी पड़ेगी कैसी सूचना किसको सूचना और कब सूचना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान दीजिए सरकार को सूचना क्यों ध्यान दीजिए क्यों सरकार को सूचना दे रहे हैं इसलिए कि सरकार के पास बहुत ज्यादा काम है तो सरकार को पता चले ना कि भाई उसके किस कार्य से आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं उसको पता तो पहले चले अब सीधे आप मुकदमा दाखिल कर देंगे तो कोर्ट पहले सरकार को कोर्ट में बुला देगी तो सरकार को एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में आना पड़ेगा तो क्यों ना पहले आप सरकार को ही बता दें कि भाई ये ये पीड़ा है आपके कार्य से हमको आप इस कार्य को न करें नहीं तो मैं आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल करूंगा तो सरकार हो सकता है सतर्क हो जाए और जो सरकार आपके खिलाफ कर रही है शायद वो न करे तो इसलिए सूचना की बात है तो आप उसको सूचना दे दीजिए और सूचना कितने दिन पहले देना है लिखा हुआ है धारा अस्सी में कम से कम दो महीना पहले आज आपने सूचना दे दिया आज के बाद आपको दो महीना वेट करना पड़ेगा मान लीजिए दस मार्च है आज तो दस अप्रैल और दस मई अब दस मई के बाद आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं अगर उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है आज आपने नोटिस सर्व कर दिया तो दस मई के बाद आप मुकदमा इंस्टीट्यूट कर सकते हैं दस मई तक आपको वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट टू मंथ प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन टू द गवर्नमेंट दो महीना पहले आपको सूचना देना ही होगा ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट अब क्वेश्चन है कि सूचना किसको देंगे ध्यान दीजिए मान लीजिए हमको भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो हम सूचना किसको भेजें हम कहना चाह रहे हैं भारत सरकार से कि फलाकार से मैं बड़ा पीड़ित हूं और आप फलाकार न करें और ये सूचना मैं देना भी चाहता हूं अब मैं किसको दू क्या मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के ऑफिस में भेजू क्या मैं नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भेजूँ क्या मैं चीफ जस्टिस को भेजूं डीवाई चंद्रचूड साहब को भेजूं सुप्रीम कोर्ट के पास क्योंकि ये तीन पिलर हैं हमारे पास एक एग्जीक्यूटिव का हेड है एक लेजिस्लेचर का हेड है और एक न्यायपालिका का हेड है तो यही तीन लोग हैं मेनली फेस जो कंट्री के दिख रहे हैं तो क्या हम इनके घर में भेजें कहां भेजें सूचना इसी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ अगर करना है तो हम कहा भेजें क्या हम योगी आदित्यनाथ जी को भेजें क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं क्या हम आनंदीबेन पटेल जी को भेजें क्योंकि वो गवर्नर हैं और क्या मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजूं क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका के प्रमुख है किसको भेज यह बात यहां पे हम लोगों को समझना है तो टू मंथ प्रायर नोटिस जो दिया जाएगा क्या लिखा हुआ है उसमें अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाह रहे हैं तो टू मंथ प्रायर नोटिस जो आपको देना है वो सचिव भारत सरकार को देना है ध्यान दीजिए सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको नोटिस देना है जो सचिव है ना भारत सरकार का सचिव जो होता है वो सलाहकार होता है सरकार का वो उसका मंत्री है एक तरीके से आप कहेंगे मंत्री तो बड़ा दूसरा शब्द हो गया वो एग्जीक्यूटिव सलाहकार है भारत सरकार का कार्यपालिकीय सलाहकार इसलिए सचिव भारत सरकार को दो महीना पहले आप पहले नोटिस दे देंगे आज आपने नोटिस सचिव भारत सरकार के ऑफिस में भेज दिया दस मई तक आप वेट करेंगे अगर दस मई तक कोई रिप्लाई आपको नहीं आता है आपकी पीड़ा दूर नहीं होती है सरकार नहीं कर पाती है दस मई के बाद कभी भी आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं कोई नहीं है दस को ही करेंगे ग्यारह करिए बारह को करिए पंद्रह करिए बीस को करिए लेकिन उसके बाद ही करेंगे आप तो ये पहली बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ करनी है टू मंथ प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन टू होम टू द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर मान लीजिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ दाखिल करना है तब किसको आप नोटिस देंगे इसमें भी टू दो महीना पहले की नोटिस होगी किसको देंगे आप इसमें दो ऑप्शन है पॉइंट नंबर फर्स्ट या तो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी या कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ये दो ऑप्शन है आपके पास ध्यान दीजिए तो आप इनको भी दे सकते हैं उनको भी दे सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केवल एक ऑप्शन है सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाएगा लेकिन अगर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो दो महीने प्रायर नोटिस आप किसको देंगे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को आप सूचना दे सकते हैं या अगर आप कानपुर में दाखिल करना चाहते हैं तो कलेक्टर कानपुर को आप नोटिस दे सकते हैं तब भी इक्वली गुड है चाहे आप उनको दें चाहे इनको दें अगर बनारस में करना चाहते हैं बनारस के कलेक्टर को आप सूचना देने दो महीना यह भी चलेगा तो इधर टू दी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूपी आर टू दी कलेक्टर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट यू मे गिव द नोटिस टू मंथ प्रायर नोटिस ये भी सफिसियंट नोटिस है तो दूसरा अगर आपको खिलाफ आपको अगर सूट फाइल करना है रेलवे के खिलाफ ध्यान दीजिए रेलवे को अदर अलग तरीके से रखा गया है धारा अस्सी में क्योंकि रेलवे बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है और रेलवे के कई जोन है आप देखेंगे नॉर्थ जोन साउथ जोन नॉर्थ ईस्ट जोन सेंट्रल जोन अगर आप देखेंगे रेलवे चूंकि बहुत बड़ा निकाय है भारत सरकार का तो इसको जोन में बांटा गया है सो दैट कि जोनल हेड को अपॉइंट करके इसको रेगुलेट किया जा सके तो अगर रेलवे से आपको कोई पीड़ा है वंदे भारत से मुझे कानपुर आना था दिल्ली से और वंदे भारत लेट हो गई मान लीजिए मैं इतना ज्यादा पैसा लगा करके टिकट कराया हूं आप लेट कर दिए तो मैं अग्रीवड हो रहा हूं आपसे आप लेट कर दिए उसके कारण कानपुर आईआईटी में हमारा एक सेशन था वो छूट गया और उससे हमको इकोनॉमिक लॉस हो गया उससे हमको मेंटल लॉस भी हो गया दस लोगों से मिलना था मैं मिल भी नहीं पाया ये हमारा पीड़ा है इस पीड़ा के लिए हमको रेलवे के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो मैं क्या करूँगा हमको जनरल मैनेजर आप दैट रेलवे को पहले दो महीना पहले नोटिस देनी पड़ेगी जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे जैसे मान लीजिए हमको कानपुर में मुकदमा दाखिल करना है तो हमको देखना पड़ेगा कि कानपुर में ये रेलवे का जोन कौन वाला है नॉर्थ है सेंट्रल है नॉर्थ ईस्ट है साउथ है कौन वाला जोन है जो जोन में ये स्थापित है उस जोन के जनरल मैनेजर को दो महीना पहले हमको नोटिस देना पड़ेगा और दो महीने के बाद अगर रेलवे हमको क्षतिपूर्ति कर देती है कि हाँ भाई आपके बंदे भारत से लेट हो गए आपको फला फला घाटा हो गया मैं आपको दस हजार रुपया कंपनसेशन दे देती हूँ और हमको दस हजार रुपया मिल जाता है तब तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर नहीं देते हैं तो हम मुकदमा दाखिल कर देंगे तो ये बात है रेलवे के खिलाफ करना है तो जनरल मैनेजर ऑफ दैट रेलवे को नोटिस जाएगा और मान लीजिए अगर आपको जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ करना है अभी भी इसमें जम्मू कश्मीर सरकार वैसे ही लिखा हुआ है अब तो हालांकि जम्मू कश्मीर का बाईफर्केशन नहीं है 370 सौ हटने के बाद लेकिन अभी भी अगर धारा 80 में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर अलग से ही लिखा हुआ है क्योंकि ये पहले का है हो सकता है सरकार इसको बाद में अमेंड कर दे लेकिन आज के डेट में वैसे ही लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो इसमें लिखा हुआ है अगर आपको जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो दो महीने प्रायर नोटिस आपको किसको देना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर सरकार को नोटिस देनी पड़ेगी तो यह चार चीज का वर्णन है धारा में कि आपको दो महीना पहले नोटिस देना पड़ेगा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ दाखिल करना चाहते हैं तो सचिव भारत सरकार को अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ दाखिल करना चाहते हैं तो सचिव उस स्टेट को या कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को अगर आपको रेलवे के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो दो महीना प्रायर नोटिस आप जनरल मैनेजर आप दैट पर्टिकुलर जोन वाले रेलवे को देंगे अगर आपको जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को दो महीना पहले आप नोटिस देंगे और किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर करना है किसी पब्लिक सर्वेंट को जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है तो उसके ऑफिस में दो महीना पहले आपको नोटिस भिजवा देनी पड़ेगी या अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट का इंप्लाई है तो सचिव भारत सरकार को नोटिस कर दीजिए स्टेट गवर्नमेंट का वो इंप्लाई है तो सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस कर दीजिए अगर वह कानपुर में रहता है तो कानपुर के कलेक्टर को भी कर सकते हैं जो मैंने बताया वही प्रोसीजर उसके पे भी चलेगा तो आप उसको दो महीना प्रायर नोटिस दे करके और उसके खिलाफ आप मुकदमा दाखिल कर सकते हैं तो ये धारा अस्सी में लिखा हुआ है अब ध्यान दीजिए मैं आज नोटिस देता हूं और दो महीने के बाद मुकदमा करता हूं वेट करता हूं दो महीना कि वो हमारे क्लेम को सेटिस्फाई करें वो अपने क्लेम को सेटिस्फाई करने का वेट करते हैं हमारे पास मान लीजिए हमको इमीडिएट रिलीफ चाहिए मान लीजिए ऐसी बात है अर्जेंट रिलीफ चाहिए क्योंकि हमारा अर्जेंसी का मामला है अगर आप तुरंत कल और परसों में नहीं कर देंगे तो हमारा फिर उस करने का कोई मतलब नहीं है तब क्या दो महीने की नोटिस हम दे पहले उसको तो दो महीने में तो सब कुछ बीत जाएगा जिसमें अब दो महीने के बाद तो हमको उसका काम ही नहीं है जो हम क्लेम करने जा रहे हैं कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जैसे मान लीजिए मैं एक बात बता रहा हूं जैसे मान लीजिए आईआईटी कानपुर में किसी बच्चे का एडमिशन होता है किसी प्रेस्टिजियस कोर्स में वो जब एडमिशन लेने के लिए आता है तो किसी टेक्निकल ग्राउंड पे आई कानपुर उसको एडमिशन नहीं देती है कोई भी टेक्निकल ग्राउंड मार्कशीट में गलती है अंक में गलती है या उसकी मेरिट हाई है उसको नहीं बुलाया गया लोअर मेरिट वाले को बुला लिया गया और वो एग्रीव फील कर रहा है वो आता है एडमिशन कमेटी के पास और डायरेक्टर के पास आता है और सारी बात बताता है कि भाई हम तो मेरिट में हाई हैं हम उसी कैटेगरी के आदमी हैं उसी कैटेगरी में लो मेरिट को एडमिशन आप दे रहे हैं हमको क्यों नहीं दे रहे हैं इस तरीके की बातों करने के लिए आता है तो उसकी बात को नहीं सुनते हैं कहते हैं कि नहीं भाई हमारा तो प्रोसीजर में दिखा दिया कि फला को एडमिशन देना है हमारा तो सब ऑनलाइन एडमिशन है पोर्टल पे दिख रहा है हम तो उसी को एडमिशन देंगे जिसका लिस्ट में दिख रहा है हम नहीं जानते आपका कितना नंबर है आप यहां से जाइए तो ये ग्रीफ्ड फील करता है आप मान लीजिए कि उसको कानपुर आई के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है दो महीना प्रायर नोटिस अगर देगा उत्तर प्रदेश सरकार को तो दो महीने में सारे एडमिशन प्रक्रिया बंद हो जाएगी और जब वो दो महीने के बाद सूट फाइल करेगा तो इसके बाद और भी टाइम लगेगा और तब तक पता चलेगा बैच पढ़ के निकल जाएगा तो ये दो महीना प्रायर नोटिस के हर मामले में होगा तो धारा अस्सी कहता है नहीं अगर अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ रिक्वायर्ड है ध्यान दीजिए अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ तो ये दो महीने नोटिस के रिक्वायरमेंट को पूरा करने की जरूरत नहीं है आप सीधे सूट फाइल कर सकते हैं सरकार के खिलाफ लेकिन ये आपको कोर्ट को सेटिसफाई करना पड़ेगा जब आप न्यायालय में जाएंगे तो आप बताएंगे कि हम सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर रहे हैं और हमने नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया है क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया क्यों नहीं किया ये आपको सरकार को बताना पड़ेगा आप कहेंगे जज साहब हमारे पास अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ है हमारे आई कानपुर में एडमिशन मुझे लेना है अगर मैं दो महीना पहले की नोटिस दूंगा तब तो, तो हमारा एडमिशन ही लैप्स कर जाएगा और लैप्स कर जाएगी सीट हमारी इसलिए हमको अर्जेंट रिलीफ कल और परसों में आप डायरेक्टर को डायरेक्शन भेजवाइए कोर्ट से ताकि वो हमारे एडमिशन को टेकअप करें तो हमारा अर्जेंट रिलीफ है इसलिए हमने नोटिस का रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल किया तो कोर्ट जब इसको सुनेगी तो कोर्ट तुरंत आपको अलाउ नहीं कर देगी कि बिना नोटिस आपके मुकदमे को इंटरटेन कर लेगी ना कोर्ट क्या करेगी कोर्ट सरकार को नोटिस भेज करके तुरंत उसके काउंसिल को बुलाएगी कल या परसों एक दो दिन में बुलाएगी और कहेगी भाई ऐसा ऐसा मामला आ गया ये नोटिस नहीं देना चाह रहे हैं आपको सीधे मुकदमा दाखिल करना चाह रहे हैं आपका इसमें क्या कहना है क्योंकि हर स्टेट का काउंसिल होता है और स्टेट काउंसिल कोर्ट में रहते हैं तो स्टेट काउंसिल को नोटिस चली जाएगी स्टेट काउंसिल आएगा आकर के सारे मामले को समझेगा समझ करके डिफेंस अपना प्रस्तुत करेगा अगर वो डिफेंस प्रस्तुत इस तरीके से कर लेता है कि नहीं नहीं इसमें कोई अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ नहीं है तो कोर्ट फिर आपको कहेगी जाइए आप इनको नोटिस दीजिए और मई में आप हमारे पास आइए दो महीने के बाद लेकिन अगर उसके डिफेंस से कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है और कोर्ट को लग रहा है सही बात है इसका अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ है दो महीने के बाद तो सारी सीट ही भर देंगे आप फिर बेचारा एडमिशन कहां लेगा तो कोर्ट उससे कहेगी कि भाई वकील साहब आप अपनी बात सही से नहीं बोल पा रहे हैं इसका मतलब कि आप गलती किए हुए हैं तो इसमें नोटिस नहीं इसको मुकदमा दाखिल होगा इसका तो ये कोर्ट के डिस्क्रिप्स पे डिपेंड करता है लेकिन कोर्ट अपोजिट पार्टी के काउंसिल को सुनेगी उसको सुनने के बाद ही डिसाइड करेगी बिना उसके सुने कोर्ट ये नहीं कहेगी कि बिना नोटिस के हम आपके मुकदमे को एक्सेप्ट करते हैं ऐसा नहीं करेगी हाँ अपोजिट पार्टी के काउंसिल को सुनने के बाद कोर्ट इसको एक्सेप्ट को कर सकती है तो कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगी एक्सेप्ट करके कहेगी ठीक है बिना नोटिस के इसके मुकदमे को हम इंटरटेन करते हैं तो बिना नोटिस के इंटरटेन कर लेगी लेकिन अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ होना चाहिए ये बात है अब ध्यान दीजिए ये जो नोटिस आप दे रहे हैं इस नोटिस का रिक्वायरमेंट क्या है और ये नोटिस कैसी होनी चाहिए ये नोटिस ऐसी है कि नोटिस में कोई डिफेक्ट है मान लीजिए या नोटिस में कोई एरर है डिफेक्ट और एरर कोई त्रुटि है नोटिस में कोई नोटिस में गलती है इस कारण हम इस नोटिस को इनवैलिड नोटिस नहीं मानेंगे जबकि नोटिस में तीन चीज होना चाहिए ध्यान दीजिए तीन चीज इस नोटिस में होना चाहिए इस सूचना में तीन चीज होना चाहिए पॉइंट नंबर फर्स्ट जो बंदा मुकदमा दाखिल करना चाह रहा है उसका नाम डिस्क्रिप्शन प्लेस ऑफ रेजिडेंस एज फादर नाम एटसेट्रा ये सब उसका होना चाहिए माने ये पता चल जाए कि ये कौन बंदा है जो मुकदमा दाखिल करना चाह रहा है उसका पता चल जाए कौन है किसका बच्चा है किसकी एज है इसकी ये का क्या काम करता है ये कहाँ रहता है यह सब पता चल जाए नोटिस में ये बात आपको लिखना पड़ेगा आई सो एंड सो रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच प्लेस सन ऑफ सच एंड सच पर्सन वर्किंग ऑन सच एंड सच इंस्टीट्यूशन Would like to institute the suit against the government. इस तरीके से नोटिस में आपको लिखना पड़ेगा ताकि आपका पूरा डिस्क्रिप्शन कोर्ट को पता चल जाए पॉइंट नंबर सेकेंड क्लेम्स ध्यान दीजिए आप कौन है यह पता चल गया आप क्या क्लेम करना चाह रहे हैं यह भी नोटिस में लिखा होगा आप सरकार से क्या क्लेम करना चाह रहे हैं क्यों आप सरकार के खिलाफ मुके जैसे आई आई टी कानपुर का मैंने एग्जाम्पल दिया तो बच्चा बताएगा ना कि हम इसलिए मुकदमा दाखिल करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे ही कैटेगरी के लो मेरिट के लोगों को एडमिशन हो रहा है उसी कैटेगरी में हाई मेरिट में हमारा हमारा दो नंबर ज़्यादा है है हमको एडमिशन नहीं मिला तो ये ये आप क्लेम क्लेम अपनी लिखेंगे उसमें कि इसलिए मैं आपके पास आया हूं तीसरा रिलीफ सॉट क्या उपचार आप चाहते हैं क्या उपचार चाहते हैं क्या पैसे का कंपनसेशन चाहते हैं सरकार से क्या आप आईआईटी कानपुर में एडमिशन चाहते हैं वो लड़का कहेगा कि हमको लाख रुपया दिलवाया जाए क्योंकि इन्होंने लोअर मेरिट को बुला लिया हमको नहीं बुलाया तो क्या तुमको पांच लाख रुपया नहीं, नहीं, तो होगा अकॉर्डिंगली तो कहने का मतलब है कि नोटिस में कोई त्रुटि है नोटिस में कोई डिफेक्ट है इस कारण नोटिस रिजेक्ट हो जाएगी ऐसी बात नहीं है जबकि उस नोटिस में ये तीन चीज होना चाहिए अगर ये तीन चीज नहीं है तब नोटिस नहीं ध्यान में रखी जाएगी तब यह नोटिस इलीगल मानी जाएगी ध्यान दीजिए तो ये तीन चीज होना चाहिए नेम डिस्क्रिप्शन एंड रेजिडेंस ऑफ द पॉइंट नंबर रिलीफ क्लेम्ड पॉइंट नंबर टू और उपचार जो चाहता है वो ये तीनों चीज अगर इसमें है तो ये बता देगा कॉज ऑफ एक्शन क्या था किस लिए मुकदमा कर रहे हैं और हमको क्या चाहिए और मैं कौन हूं ये तीनों चीज नोटिस में होनी चाहिए तो ये है रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 80 ध्यान दीजिए तो ये स्पेशल सूट है अगर यही मान लीजिए साधारण आदमी के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना होता तो क्या आपको नोटिस देनी थी ना कोई नोटिस नहीं देनी थी आप सीधे सेवन में ड्राफ्ट करते और ले जाकर के कोर्ट में सबमिट कर देते और कोर्ट उसको डिसाइड कर देती लेकिन चूंकि आप सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाह रहे हैं आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना चाह रहे हैं तो रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस है इसीलिए हम उसको बोलते हैं स्पेशल सूट तो रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस है तो नोटिस की सूचना का कंप्लायंस होगा ठीक है ना ये बात तो नोटिस में हम लोगों ने देख लिया कि नोटिस कितने दिन पहले और किसको को दो महीना पहले और इन लोगों को नोटिस का कंटेंट क्या होगा ये भी हम लोगों ने देख लिया कुछ अर्जेंट और इमीडिएट मामला है तो उसमें नोटिस की कोई जरूरत नहीं ये भी हम लोगों ने देख लिया अब आगे देखिए ये था धारा 79 और धारा 80 धारा 79 में हम लोगों ने नाम की बात किया धारा 80 में हम लोगों ने सूचना की बात की अब आ जाइए धारा इक्यासी अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे धारा इक्यासी गिरफ्तारी और स्वयं उपस्थिति से छूट ध्यान दीजिए धारा इक्यासी जब आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा दाखिल करते हैं तो चूंकि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा आप उसके ऑफिशियल कैपेसिटी में इंस्टीट्यूट करते हैं पर्सनल कैपेसिटी में नहीं करते अगर पर्सनल कैपेसिटी में करते तो प्राइवेट बंदा होता और जब वो प्राइवेट बंदा होता तो उसकी गिरफ्तारी भी होती उसको पर्सनली कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कंपेल भी किया जाता है जिसको पर्सनल अपियरेंस बोलते हैं ये सब किया जाता है क्योंकि साधारण लोगों को न्यायालय बुला लेती है और बुला देगी बात देकर के बुला लेगी लेकिन चूंकि ये पब्लिक सर्वेंट है ये पब्लिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है इसके कोर्ट में अगर मान लीजिए वो जज है वो डीएम है वो एसडीएम है वो प्रोफेसर है वो इंजीनियर है वो डॉक्टर है इस तरीके का आदमी अगर उसको आप कोर्ट में बुलाएंगे पता नहीं उसके को, उसके कितने पेशेंट लौट जाएंगे डॉक्टर है तो पता नहीं वो इंजीनियर है कुछ उसका प्रोजेक्ट फंस जाएगा आपने कोर्ट में उसको बुला दिया वहां पर गोली चल गई वहां पर चार लोग मर गए समझ रहे ना इसलिए इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी इसको पर्सनल अपियरेंस के लिए कोर्ट कंपेल नहीं करेगी ये दोनों चीजें का छूट मिला हुआ है धारा इक्यासी में इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और इसको पर्सनल कोर्ट में अपीयर होने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा इससे कहा जाएगा कि जो गवर्नमेंट प्लीडर है आप उसी को भेजिए आप उसी को सारी बात बता दीजिए वो कोर्ट में जवाब दे देगा वो वेट भी कर लेगा लेकिन आप अपना काम करते नहीं क्योंकि अगर आप आएंगे तो बड़ा ही पब्लिक फंक्शन प्रभावित हो जाएगा तो ये है कि उसके अरेस्ट और उसके पर्सनल अपियरेंस से छूट है इसमें ये था धारा इक्यासी और धारा बयासी जो लास्ट धारा है इसमें आप देखेंगे धारा बयासी में डिक्री का निष्पादन है मान लीजिए सरकार के खिलाफ डिक्री हो गई मैं जीत गया सरकार हार गई कानपुर वाला जो मामला था अभी मैंने देखा कानपुर वाला जो मामला था तो मान लीजिए वो बच्चा कहता है कि भाई हमको इन्होंने एडमिशन नहीं दिया हमको पांच लाख रुपए का कंपनसेशन आईआईटी कानपुर से दिलवाया जाए और पांच लाख रुपए की डिक्री उस बच्चे के फेवर में हो जाती है फर्ज करिए आप दो मिनट के लिए उस बच्चे के फेवर में पांच लाख की डिक्री हो गई जब डिक्री हो गई आज तो डिक्री का एग्जीक्यूशन वो कल ही नहीं करेगा ना उसको टाइम दे दिया जाएगा दो महीने तक डिक्री का एग्जीक्यूशन वो नहीं करेगा दो महीने तक उसको वेट करना है तो हम लोग इसमें क्या डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ डिक्री डिक्री पास हो जाती है तो उस डिक्री का एग्जीक्यूशन तीन महीने तक नहीं किया जाएगा तीन महीने तक वेट करना है तीन महीने तक हो सकता है वो डिक्री सेटिस्फाई कर दे अगर वो डिक्री सेटिस्फाई कर देगा तो एग्जीक्यूशन उसके खिलाफ स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है ये लिखा हुआ है धारा तो 79, 80, 81 और 82 टू एच आर जा हैं तो बयासी में लिखा हुआ तीन महीने तक एग्जीक्यूशन रोक दिया जाएगा इसलिए रोक दिया जाएगा कि मान लीजिए आप एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ या सरकार के खिलाफ तो एग्जीक्यूशन में सिविल प्रोसेस इशू होगा सरकार परेशान होगी उसको न्यायालय में आना पड़ेगा उसके काउंसिल को आना पड़ेगा हो सकता है आपकी डिक्री को एग्जीक्यूट कर दे दो तीन महीने के अंदर क्योंकि सरकार के पास और भी काम है तो दो तीन महीने उसको समय दे दिया जाता है पब्लिक सर्वेंट को दो तीन महीना समय दे दिया जा जाता है ठीक है दो तीन महीने में आप क्या करें आप आकर के सारा कुछ कर लें तो सारा कुछ आकर के दो तीन महीने हो सकता है कि पांच लाख रुपया जमा कर देगी सरकार तो आपको एग्जीक्यूशन नहीं कराना पड़ेगा अगर यह साधारण मुकदमा होता तो आप तुरंत एग्जीक्यूट करा देते एग्जीक्यूशन अप्लीकेशन आप तुरंत डाल देते आर्डर ट्वेंटी वन में लेकिन वही सरकार के खिलाफ है तो आर्डर ट्वेंटी वन का कंप्लायंस तीन महीने तक नहीं होगा तीन महीने के बाद इसका कंप्लायंस शुरू होगा अब एग्जीक्यूशन आप डिक्री क्या है यह मैं पिछले लेक्चर में आपको बताया अभी था मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर एग्जीक्यूशन आप डिक्री का मतलब यह कि जैसे मान लीजिए कोई आदेश हो गया प्रतिवादी के खिलाफ और प्रतिवादी क्या कर रहा है उस आदेश को नहीं मान रहा है जो प्रॉपर्टी उसके अगेंस्ट डिसाइड हुई है वो वो उसके ही कब्जे में में है 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 इसको नहीं दे रहा है। जिसके फेवर में डिसाइड हुई है। तो प्रॉपर्टी उसको दिलवाई जाएगी कैसे दिलवाई जाएगी पुलिस जाएगी ये प्रॉपर्टी को रिकवर करेगी रिकवर करके लेकर इनको दे देगी ठीक है ना तो इसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग आर्डर ट्वेंटी वन में बड़ा इलोबरेट प्रोसीजर है हम लोग जानते हैं एग्जीक्यूशन के कई मोड है मैं पिछले मॉड्यूल में बताया था डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी है अरेस्ट एंड अटैचमेंट है इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर है इसके बाद है अटैचमेंट एंड सेल है इसके बाद अरेस्ट एंड डिटेंशन है ये अन्य मेथड है तो इसमें कई तरीके हैं इस तरीके से एग्जीक्यूट करा दी जाती है डिक्री को तो यहां पे भी वही काम होगा प्रोसीजर तो वही चलेगा सारा लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस प्रोसीजर को तब तक नहीं अप्लाई करना है जब तक तीन महीना न बीत जाए क्योंकि तीन महीने तक सरकार को पूरा का पूरा छोड़ दिया जाएगा और सरकार को देखा जाएगा कि सरकार इसको पूरा कर दे तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा ये सारी धाराओं को धारा 79, 80, 81, 82 सरकार और पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमे का नाम क्या होगा सूचना का कंडीशन क्या है कैसी सूचना होगी किसको होगी कितने दिन पहले होगी और उसके बाद मुकदमा होगा सरकार को और पब्लिक सर्वेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं करी जाएगी और डिक्री हो गई तो डिक्री तीन महीने तक एग्जीक्यूट नहीं करी जाएगी अगर एग्जीक्यूट भी करना है तो तीन महीने के बाद करना तो ये पूरा स्टेट्यूट प्रोविजन यहाँ पे था तो हम लोगों ने इसको देखा अब अगली स्लाइड पे थोड़ा सा चलते हैं अगली स्लाइड पे आइए देखिए अगली स्लाइड है प्रक्रिया आदेश 27 ध्यान दीजिए तो आदेश 27 में कुछ ऐसा प्रोसीजर नहीं है थोड़ा इसमें प्रोसीजर है मैं आपको बताऊं यहां पे इम्फेसाइज करूं प्रोसीजर यह है कि जैसे मान लीजिए जब आप मुकदमा दाखिल करते हैं सरकार के खिलाफ नोटिस दे दिया आपने दो महीना नोटिस बीत गया नोटिस के बाद आप सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करते हैं जब मुकदमा दाखिल करेंगे तो समझ जाएगा जैसे ऑर्डिनरी सूट में समझ जाता है ऑर्डर फाइव समन मैंने पिछले लेक्चर में लिया था पिछले टू तो पिछले लेक्चर में लिया था आपको तो जब समझ जाएगा अपोजिट पार्टी को तो अपोजिट पार्टी उस सम, वो समन कौन लेगा जैसे मान लीजिए हम भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर रहे हैं तो नोटिस जाएगी अपोजिट पार्टी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए तो क्वेश्चन है कि भारत सरकार की तरफ से कौन लेगा इस समन को और भारत सरकार की तरफ से कौन उपस्थित होगा यहाँ पे तो इसके लिए है कि जो काउंसिल होगा एडवोकेट हो जाएगा जो गवर्नमेंट काउंसिल होगा ये गवर्नमेंट काउंसिल को नोटिस जाएगी समझ जाएगा और गवर्नमेंट काउंसिल इस समन को रिसीव करेगा वही भारत सरकार को रिप्रेजेंट करेगा और वही उपस्थित होगा कोर्ट में अब मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन है किसी पर्टिकुलर ऑफिस का मामला है और गवर्नमेंट काउंसिल को वो सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं पता है तो गवर्नमेंट काउंसिल उस ऑफिस के ही एक बंदे को कह देगा कि आप न्यायालय में जाइए और जाकर के इस डेट पे आप खड़े होकर के बताइएगा हम सरकार की तरफ से आए हैं और फला फला हमको इसमें डिफेंस लेना है तो जो उससे परिचित है वो आकर के यहाँ पे डिफेंस ले लेगा इसी तरीके से मान लीजिए कौन आएगा जो सरकार की तरफ से अपॉइंटेड नुमाइंदा है वो आएगा और आकर के कोर्ट में अपनी बात को रखेगा तो ये एक बात है कि नोटिस लेगा कौन समन लेगा कौन और न्यायालय में उपस्थित कौन होगा तो समन वही लेगा जो गवर्नमेंट काउंसिल है और न्यायालय में उपस्थित जनरली गवर्नमेंट काउंसिल होगा लेकिन हर मामले में चूँकि सरकार बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इसके बहुत बड़े ऑफिस हैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन और इसके निकाय काम करते हैं तो हर निकायों के हर चीजों से गवर्नमेंट काउंसिल वाकई भी होगा ऐसी बात नहीं है बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे बेचारा परिचित नहीं होगा तो उसमें उसी आदमी को कह देगा कि आप जाकर के कोर्ट में सारी बात बता दीजिए जो उससे एक्वेंटेड है जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा था फैकल्टी ऑफ लॉ में स्टूडेंट्स का एलएलबी कोर्स के लिए अब उसमें कुछ बच्चों ने पिटीशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में उनका यह कहना था कि भाई हमारा एडमिशन नहीं हुआ ऐसे है वैसे है मेरिट गलत बन गई हो जो भी उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया अब हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को नोटिस भेज दिया कहा कि भाई आप तो एडमिशन नहीं दे रहे हैं जो जेन्युन कैंडिडेट हैं जो इन है ले ले लेने के लिए उसको एडमिशन ही नहीं दे रहे हैं तो आप न्यायालय में उपस्थित हों और अपना जवाब दाखिल करें क्योंकि जो प्लेंटिव है उसने अपना क्लेम दाखिल कर दिया था अब संजोग से उस समय एडमिशन कमेटी को मैं एक कंपोनेंट था मैं भी एडमिशन कमेटी का तो अब नोटिस आ गई दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसिल ने नोटिस को रिसीव कर लिया जैसे यहाँ पे नोटिस कौन रिसीव करेगा समन की कॉपी कौन रिसीव करेगा तो समन की कॉपी बुलावा पत्र काउंसिल ने रिसीव कर लिया रिसीव करने के बाद वो रजिस्ट्रार के पास यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पास भेज दिया कहा कि यह लॉ फैकल्टी के खिलाफ कोर्ट का एक आदेश आया है कि लॉ फैकल्टी के एडमिशन कमेटी इसको एक्सप्लेन करें कि फला बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं हुआ जबकि मेरिट में इसका नंबर ज्यादा है अब इसमें क्या हुआ अब इसमें हुआ कि भाई काउंसिल कहता था कि भाई हमको तो नहीं पता है कि लॉ फैकल्टी में तीन हजार एडमिशन छह हजार एडमिशन हो रहे हैं तो किस में किस कैटेगरी में क्या मेरिट है ये सब तो मैं नहीं जानता है। ये तो आप ही लोग जान रहे हो बिंग द प्रोफेसर आप लोगों को पता है आप मेरिट कैसे बनाते हो कैसे एडमिशन करते हो तो कृपया आप ही इसमें चले जाएँ और जाकर के कोर्ट में जज के सामने आप बता दें कि भाई ऐसे है ऐसे है हमारे यहाँ ये मेरिट है और इस तरीके से हम एडमिशन किए तो उसमें एडमिशन कमेटी का मेम्बर चला जाता है तो कोई जरूर नहीं है कि जो समन रिसीव करता है वही कोर्ट में जाएगा सरकार की तरफ से समन तो रिसीव करेगा हमेशा एडवोकेट काउंस जो गवर्नमेंट काउंसिल है लेकिन कोर्ट में उपस्थित कौन होगा जो उस डिपार्टमेंट के चीजों से प्रक्रियाओं से परिचित होगा जो न्यायालय में बोलना है तो जो ज्यादा उसको जान रहा है वही जाकर के भी आपसे खड़ा हो जाएगा सरकार के और जाकर के सारी बात कह देगा क्योंकि सरकार कोई आदमी तो नहीं है सरकार तो कार्पोरेशन है एग्रीगेट कारपोरेशन एग्रीगेट जिसमें कई लोग एक साथ बैठे हुए हैं और सबका कलेक्शन ही सरकार है तो सरकार कोई ऐसी बात नहीं है सरकार लीगल पर्सन है तो न तो आप प्राइम मिनिस्टर को सरकार मानेंगे न तो आप प्रेसिडेंट को सरकार मानेंगे न चीफ जस्टिस को क्योंकि तो सब अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सरकार कौन है सरकार कलेक्टिव विजडम है सभी लोगों का एक साथ तो उसमें जितने गवर्नमेंट निकाय हैं सब एक साथ काम करते हैं हम सारे उसके हाथ हैं तो हम सारे सरकारी लोग उसके हाथ हैं तो सरकार ऐसे बनती है सरकार कोई एक आदमी नहीं है जैसे हम हैं आप ऐसे नहीं तो इसलिए उसके भी आपसे कौन जाएगा जो परिचित है सब सारे चीज़ों से वो जाएगा कोर्ट में जाके अपनी बात को रख देगा तो ये सारी प्रक्रिया आदेश सत्ताईस में बताएगी और इस तरीके से इस मुकदमे को लड़ना है ऐसे प्रोसीजर चलेगा तो इस मामले में हम लोगों ने यह देखा अब हम लोगों को पता चल गया धारा 79 से 82 में क्या लिखा हुआ है सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो कैसे करेंगे और आदेश 27 में इसकी प्रक्रिया क्या है यह भी हम लोगों को पता चल गया किसको समझ जाएगा कौन समन लेगा कौन न्यायालय में उपस्थित होगा कौन सरकार को डिफेंड करेगा और कैसे डिफेंड करेगा यह सब हम लोगों ने देख लिया डिक्री पास हो गई तो एग्जीक्यूशन कब होगा कब नहीं होगा पब्लिक सर्वेंट को कब गिरफ्तार किया जाएगा प्रॉपर्टी कब अटैच करी जाएगी यह सब हम लोगों ने देख लिया अब इस टेच्यूटरी प्रोविजन तो हम लोगों ने सारा देख लिया अब इसके थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं इसका शास्त्रीय आधार क्या है ध्यान दीजिए शास्त्रीय आधार शास्त्रीय आधार ये है संविधान के आने के पहले हमारा जो स्टेट था हमारा जो राज्य था वो पुलिस स्टेट था अंग्रेजों के समय क्योंकि अंग्रेज क्या थे ट्रेडर्स थे अंग्रेज ब्रिटिशर्स ब्रिटिश वो हमारे देश में क्या करने के लिए आए थे वो रूल करने के लिए आए थे वो व्यापार करने के लिए आए थे वो यहां से धन संपत्ति इकट्ठा करके पश्चिम में ले जाने के लिए आए थे और ऐसा ही उन्होंने किया उस समय पुलिस स्टेट था ये उस समय लेसेस फेरे स्टेट इसको बोलते थे जिसमें स्टेट बहुत ही कम कंसर्निंग कंसर्न था पीपल के एक्टिविटी के लिए जनता जनार्दन क्या कर रही है राज्य से कोई लेना देना नहीं था राज्य अपना बिजनेस व्यापार कर रहा है अपने घर चला जाएगा लेकिन आज का जो राज्य है संविधान आने के बाद हमारा जो राज्य है लोक कल्याणकारी राज्य है इसको हम वेलफेयर स्टेट बोलते हैं वेलफेयर स्टेट बहुत ज्यादा कीन है फॉर दी एक्टिविटी ऑफ पीपुल बहुत ज्यादा रिलेटेड और बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है लोगों के क्रियाकलापों से इसलिए रूलर नहीं है ये सेवक है आप कभी कभी सुनते हो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ ये जानते हैं प्रधान सेवक क्यों कहते हैं क्योंकि संविधान का चरित्र ऐसा है संविधान उनको प्रधान सेवक ही बनाया है बिकॉज यू आर नॉट रूलर यू आर द सर्वेंट ऑफ द कंट्री तो चूंकि आप देश को सेवा करने के लिए वहां पे चुने गए हैं तो आप रूल नहीं करेंगे आप शासक नहीं है आप सेवक हैं कहने का ही मतलब है तो ये लोक कल्याणकारी राज्य है सरकार जो बनती है और सरकार जनता की सेवा के लिए बनती है क्योंकि जनता जो है ये संप्रभु है सबसे बड़ा जो पावर है वो किसके पास है जनता के पास भारत के संविधान में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया अगर भारत के संविधान की पहली लाइन आप पढ़ेंगे वही लिखा हुआ है हम भारत के लोग तो इसका मतलब पूरा का पूरा भारत किसके अंदर समाहित है हम लोगों के अंदर ऑफ इंडिया हम भारत के लोगों में समाहित है वो किसी सरकार, किसी सरकार एक इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू में नहीं समाहित है इसलिए जब सरकार के खिलाफ भी मुकदमा दाखिल करना है तो ऐसा नहीं है कि सरकार के खिलाफ मुकदमा ही नहीं दाखिल पहले क्या था किंग कैन डू नो no रॉन्ग ध्यान दीजिए ब्रिटिशर्स के समय में राजा गलती नहीं कर सकता इसलिए राजा के खिलाफ मुकदमा नहीं होगा तो इसको बोलते थे सावरन इम्यूनिटी प्रिंसिपल अगर आप इसको फिलासफी में जाएंगे थोड़ा सा साबरिन इम्यूनिटी साबरिन को कंप्लीट इम्यूनिटी थी सरकार के खिलाफ से कोई गलती भी हो गई अगर सरकार से आप सरकार को नहीं सूट फाइल कर सकते साबरन इज इम्यून फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकिन आज संविधान आने के बाद क्या साबरेन इम्यून है ना आप सरकार के खिलाफ सिविल सूट फाइल कर हाँ प्रक्रिया विशेष जरूर है जिसमें दो महीने पहले की नोटिस देनी होगी इसके बाद आप मुकदमा और दो महीने पहले की नोटिस भी जनता के हित के लिए है क्योंकि लोक फंक्शन प्रभावित न हो और जनता के हितों का संरक्षण हो इसलिए दो महीना पहले की नोटिस है वो तो सरकार को प्रोटेक्शन नहीं है ध्यान दीजिएगा तो कुल मिलाकर के जनता को कंसेशन देती है सी तो इस तरीके से जो साबरन इम्यूनिटी प्रिंसिपल था जो किंग कैन डू नो रॉन्ग का प्रिंसिपल था बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस सबका निगेशन है और ये जो आप स्पेशल प्रोसीजर देख रहे हैं इसमें आप बड़ा इजीली देख रहे हैं कि आप भारत सरकार को भी मुकदमा दाखिल कर सकते हो उसको भी कैटेगरी में खड़े कर सकते हो आप रेलवे को खड़े कर सकते हो आप उत्तर प्रदेश सरकार को खड़े कर सकते हो आप डीएम को खड़े कर सकते किसी को भी कैटेगरी में खड़े कर सकते हो अगर वो आपके खिलाफ गलत काम करता है तो कोर्ट उसको बुला लेगी तो ऐसा स्टेट है आपका को लोक कल्याणकारी राज्य है इसलिए सभी लोगों के खिलाफ हमारे पास समानता का अधिकार है अगर आप भारत का संविधान पढ़ेंगे मूल अधिकार समानता का अधिकार विधि के समक्ष सभी लोग समान है ऐसा नहीं है कि आप सरकार हैं आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं तो आप कुछ भी करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे अल्टीमेटली आपको जनता की सेवा करने है आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप कुछ भी करेंगे ना आपको जनता की सेवा करनी इक्वालिटी बिफोर लॉ तो आपको जनता जनार्दन को देखना है जनता जनार्दन सबसे ऊपर है विद इंडिया तो साबरिन इम्यूनिटी नहीं चलेगा नहीं तो पहले होता था साबरिन इम्यूनिटी तो इसमें आप देखेंगे बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें मैं बढ़ूंगा तो बड़ा आगे बढ़ जाऊंगा इसलिए मैं इसमें घुसना नहीं चाह रहा हूं उसी का रिफ्लेक्शन है जो हम लोगों ने लेक्चर दिया अभी कि स्टेट के खिलाफ मुकदमा पहले स्टेट के खिलाफ मुकदमा नहीं क्योंकि स्टेट क्या था सावरन इम्यून था तो उसमें यह था कि भाई साबरन से तो गलती ही नहीं होगी संविधान में भी अगर आप देखेंगे आर्टिकल थ्री है भारत के संविधान का अनुच्छेद तीन उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट को कितना लाइवल किया जाएगा आपकृत्य के लिए तो उसमें लिखा हुआ है स्टेट की लाइवलिटी उतना ही होगी जितना संविधान के आने के पहले था तो संविधान के आने के पहले क्या था संविधान के आने के पहले क्या था संविधान के आने के पहले यह था कि भाई संविधान के पहले कितनी इम्यूनिटी है वो मिलेगी तो संविधान के पहले हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नाइनटीन थर्टी फाइव था अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थर्टी फाइव में जाएंगे उसमें भी लिखा हुआ है साबरिन को कितनी इम्यूनिटी होगी तो लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइव के पहले जो इम्यूनिटी थी वही मिलेगी अगर उसके पहले जाएंगे उन्नीस का चार्टर था हमारे पास उन्नीस का चार्टर था अठारह का चार्टर था अठारह का चार्टर था वो सब चार्टर में जब जाएंगे उसमें भी यही लिखा हुआ है कि सरकार अपकृत के लिए कितना लाइबल होगी उतना लाइबल होगी जो इसके पहले लाइबल थी तो उसके पहले जब जाएंगे तो एक बड़ी लीडिंग केस डिसाइडेड थी पी एन ओ स्ट्रीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये बड़ी लीडिंग केस थी और इसको बड़े पुराने जमाने में डिसाइड किया गया था ब्रिटिशर्स के समय में और उसमें केस में कोर्ट ने बोला था कि भाई साबरिन इम्यूनिटी जो संप्रभु है उसके खिलाफ मुकदमा दाखिल नहीं होगा ठीक है ना संप्रभु के खिलाफ मुकदमा दाखिल नहीं होगा क्योंकि भारत, भारत तो हालांकि इसको खत्म किया सुप्रीम कोर्ट तो वेलफेयर स्टेट है यहां पर तो जनता संप्रभु है तो इसमें इम्यूनिटी साबरिन को क्यों आप दे रहे हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं नहीं साबरिन का कोई फंक्शन अब कोई डिवीजन अब भारत जैसे देश में नहीं है यहां पर साबरिन

अब कुछ ही समय बचे हुए हैं मैं लास्ट में बताऊं आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया तो हम लोगों ने देखा स्पेशल मैटर सूट रिलेटिंग टू स्पेशल मैटर्स स्पेशल मैटर में हम लोगों ने देखा कई स्पेशल सूट हम लोगों ने देखा जिसमें हम लोग आर्डर 27 से ही शुरू किए और आर्डर 27 वाला स्पेशल सूट था जो सूट बाईर अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट इन दियर ऑफिशियल कैपेसिटी था जिसमें सेक्शन सेवेंटी टू एट्टी और आर्डर ट्वेंटी सेवन था तो इसमें हम लोग ने देखा सेक्शन सेवेंटी नाइन जब आपको सरकार यूनियन सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है स्टेट सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो टाइटल क्या होगा हम लोगों ने देखा अगर सरकार के खिलाफ मुकदमा दाखिल करना है तो आपको नोटिस देना पड़ेगा कितना नोटिस दो महीने पहले की नोटिस किसको सेंट्रल गवर्नमेंट के दशा में स्टेट गवर्नमेंट के दशा में रेलवे की दशा में और जम्मू कश्मीर सरकार के दशा में किसको नोटिस देना पड़ेगा ये हम लोगों ने देखा फिर हम लोगों ने देखा अगर अर्जेंट और इमीडिएट रिलीफ है तो नोटिस नहीं भी देना पड़ेगा हम सीधे मुकदमा दाखिल कर देंगे लेकिन नोटिस में डिफेक्ट के कारण हमारी नोटिस खाली नहीं मानी जाएगी अगर उसमें तीन चार चीज जो हमने बताया आपको वो हो तो अगर वो सारा है तो नोटिस सही है और नोटिस मान लिया जाएगा अब मान लीजिए पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आप मुकदमा दाखिल करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा यह सब भी उसको छूट मिली हुई है और मान लीजिए सरकार के खिलाफ डिक्री हो जाती है तो उस डिग्री का एग्जीक्यूशन तीन महीने तक नहीं होगा और तीन महीने के बाद ही उसका एग्जीक्यूशन होगा तीन महीने तक सरकार को समय दिया जाएगा उसको देखने के लिए तो ये था और प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा आर्डर छब्बीस में जिसमें कई रूल्स हैं उस कुछ मोटा मोटी रूल्स मैंने आपको बताया उस रूल्स में ये लिखा हुआ है कि आप जो है क्या करेंगे कौन उपस्थित होगा कौन समन लेगा तो गवर्नमेंट प्लीडर समन लेगा और उपस्थित कोई भी होगा जो एक्वेंटेड होगा प्लीडर भी उपस्थित हो सकता है और इस तरीके से गवर्नमेंट सूट का विचारण होगा और ऐसे इसका न्याय निर्णय होगा तो इस तरीके से मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इस प्रावधान के बारे में आपको बताने का प्रयास किया साधारण भाषा में मैं आप तक पहुँचाऊँगा आपको चीज़ें समझ में आई होंगी इस विश्वास के साथ मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ इस लेक्चर को पेसेंटली सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार सभी लोगों को धन्यवाद और नमस्कार Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier. Now, this piece of criticism is particularly damaging because it is true. None of Shakespeare's plays contain any original story whatsoever. They are all written using pre existing materials, pre existing stories. Now, does that diminish the stature of? Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.